तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो और हमारे चैनल द मोटो व्लॉग्स पर। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें कि आप लोगों को दिखेगा हमारी बाइक का सेकंड सर्विस में जो जो काम होगा वो सब। और सेकंड सर्विस था 5000 किलोमीटर पे, बट 5000 किलोमीटर हमारा पूरा नहीं हुआ है, जबकि टाइम पीरियड इसका कम्प्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितने किलोमीटर चल चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, 2241 किलोमीटर चल चुका है। ज़्यादा चलाया नहीं है मैंने इसको, क्योंकि दो बाइक एक्स्ट्रा है मेरे घर पे, तो लोकल का काम उसी से करता हूँ, बाकी इधर उधर का इसी से ट्रैवल वगैरह इसी से करता हूँ। तो सेकंड सर्विस है इसकी, और आप लोगों ने फर्स्ट सर्विस की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया था, बहुत सारे व्यूज़ आए थे उसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना सेकंड सर्विस की वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो रॉयल एनफील्ड को अफोर्ड नहीं कर पाते, बट वो सोचते हैं कि लेना, और वो सोचते हैं कि सर्विस पता नहीं इसकी सर्विस कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये सोच के भी बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। बट भाई लोग, मैं बताना चाह रहा हूँ, सर्विस कॉस्ट इसकी ज़्यादा है नहीं। नॉर्मल जैसे स्प्लेंडर वगैरह हो गए, इसकी 1000 रुपये में हो जाती है, तो 1000-1500 रुपये में इसकी भी सर्विस हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, जिसको शौक है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे मिलते हैं शोरूम में। इसी तरह अभी सील टाइट लीकेज के कारण लगाया कारण। अच्छा होता ऑयल के नहीं लगता है। ये डलेगा नहीं क्या, ये वाला ये लगा ले, ये किनारे तो इसमें चेक कर लिया आपने, चलेगा चल पड़ेगा ना आपके, आपको थोड़ा चलने की कंडीशन है वो। अच्छा, तो आपका क्या वो 1 लीटर मतलब 1.5 लीटर ये डाल दे रहा हूँ, 200 ml नया टॉप कर दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बढ़िया है ना, तीन आवर की रहेगी ठीक 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 ठीक। अभी भी जो 6 महीने हैं उसमें भी लगभग 2000 किलोमीटर भी चलेगा कि नहीं पता नहीं, तो उस हिसाब से तो चल ही जाएगा फिर ये। अगली बार तो खैर चेंज करना ही पड़ेगा। तो गाइस, भैया कह रहे हैं कि ऑयल की कंडीशन सही है अभी, जैसे 5000 किलोमीटर पे सर्विस होना था, तो मेरी बाइक अभी 2200 किलोमीटर लगभग चल चुकी है, तो वो कह रहे हैं कि ऑयल की कंडीशन सही है। 1.5 लीटर लगभग ये डाल देंगे और साथ में 200 ml कुछ नया डाल देंगे, तो फिर आपकी मतलब जो सेकंड सर्विस में डलना चाहिए उस हिसाब का हो जाएगा। तो अगली बार आप जब आओगे थर्ड सर्विस में, तब आप पूरा तेल चेंज कर सकते हो, तो सही हो गया ये तो फिर मेरे लिए। और वैसे भी सेकंड सर्विस जो टॉप अप रहता है उसमें ऑयल चेंज नहीं होता है, तो उस हिसाब से फिर तो सही है।
4-9 दिखा रहा है, सेट कर दो। टाइमिंग वाइमिंग का उसमें वो तो नहीं करना ना, ऊपर का टेपिंग टेपिड वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट सर्विस में तो टेपिड वगैरह कर दिया था इन्होंने। ठीक ठीक ठीक, कार्ड तो ज़्यादा चला भी नहीं फिर। अच्छा ये इसका इसका थोड़ा देख लेना। अच्छा हाँ,
उसके लिए ताज़े पड़ जाती है। ठीक 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 बाकी ब्रेक व्रेक तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं डिस्क में। अच्छा लुब्रिकेशन होते ही ना ब्रेक बहुत कम हो जाता है इसमें, ऐसा क्यों? लुब्रिकेशन होते ही बहुत ब्रेक कम हो जाता है। ठीक 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 ठीक। तो भाई सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, भैया करेंगे इसकी धुलाई। तो बाइक आ चुकी है बाहर, लुब्रिकेशन कर रहा है। ये चैन लोगे कि क्लीनर है? चैन क्लीनर होता है। देखो आशीष भाई घूम रहे हैं।
भाई इसके बाद मैं आ गया था घर, और सॉरी मैं इसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ये फाइनल सर्विस चार्ज की लिस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें 450 फाइनल प्राइस है जो कि सब कुछ अलग लगा के आया है, और इतना प्राइस कम इसलिए है क्योंकि सिर्फ 200 ml इसमें इंजन ऑयल पड़ा था, बाकी पुराना जो इंजन ऑयल था वो मेरा सही था, वो इसमें डला है, और बाकी जो सीलेंट वगैरह पड़ता है और इसमें जो एयर ऑयल फिल्टर वगैरह पड़ता है वही लगाया एक्स्ट्रा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ आगे, तब तक के लिए बाय।